दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर पुलिस की कस्टडी में खड़े ये शातिर चोर शोएब और बिलाल हैं, जबकि इनका एक साथ ही नाबालिग भी है जो पुलिस कस्टडी में है। तीनों शातिर चोर बिजनौर जिले में रात्रि में चोरी की घटना को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, जिनमें आज पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक अन्य साथी फरार हो चुका है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि तीनों चोर जिले भर में दर्जनों चोरी व लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार चोरों के पास विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए जेवरात कीमत लगभग 8 लाख रुपए और अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। नजीबाबाद पुलिस द्वारा स्थानीय तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शोएब और बिलाल, एक बाल अपचारी है और एक फरार हो चुका है। इनके द्वारा कुल 5 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें से नजीबाबाद की 2 चोरी, धामपुर की 2 चोरी और 9/11/21 को एक चेन स्नेचिंग हुआ था, लूट का अभियोग पंजीकृत था धामपुर में, वो भी वर्कआउट हुआ है। चोरी के पैसे से इन्होंने जो मोटरसाइकिल खरीदा था वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार सोने चांदी की जो जेवरात हैं, मोटरसाइकिल कीमत लगभग 8 लाख रुपए के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इनके एक अन्य साथी की तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। पुलिस टीम को 15,000 रुपए नकद पुरस्कार दिया गया है। वही देखना अब ये भी होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक घटनाओं पर कितना विराम लगता है।